राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक चल रही है, इसमें जॉर्ज साहब बोल चुके हैं, हमारे तीन मंत्री नीतीश कुमार जी, श्रीनिवास प्रसाद और दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, वो अभी बोलने वाले हैं। कई राज्यों के बहुत सारे प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। काफ़ी संख्या में हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मौजूद हैं। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। कंसिडरिंग ऑल दोज प्रपोजल्स, द एग्जीक्यूटिव कमिटी यूनैनिमसली ऑथराइज्ड आवर सीनियर मोस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस टू टेक द नेसेसरी डिसीजंस in regard to Samata Party's relations with NDA. He has also been authorized to take all steps that arise out of his decision. No, he is senior most leader, no time limit has been fixed. He is not attending the coordination committee meeting tonight. No, just now the meeting is over. We have just now given him the authorization. Once we have given him the authorization, now it is up to him, because he has heard the national executive and the also the party has unanimously expressed the opinion that whatever decision he takes, party at all levels will implement it. No, we have not. हमने उनको किसी समय सीमा में नहीं बांधा है। जब ऑथराइजेशन देते हैं तो बांध के ऑथराइजेशन थोड़ी दिया जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4 घंटे चली और 4 घंटे में सिर्फ यही फैसला हुआ कि उन्हें नहीं। देखिए, 4 घंटे तरह तरह के प्रस्ताव आए, उसको उन्होंने सुना, सभी नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए और बहुत गंभीरता से अपने विचार प्रकट किए, और अब उनको अधिकार दे दिया गया है और वो निश्चित तौर पर उचित समय पर जरूरी फैसला लेंगे। नाउ इट इज एंटायरली अप टू हिम, वंस वी हैव ऑथराइज्ड हिम, इट इज एंटायरली अप टू हिम। डिले हो रहा है, क्या ये एम्बैरेस करने के लिए वक्त पे? नहीं नहीं, नो सच थिंग। वी आर there is no question of embarrassing anybody or creating problem for anybody. We take decisions based on political logic and not on any extraneous consideration. नहीं, जो प्रधानमंत्री के दूत आए थे, जो उन्होंने कहा वो तो मैंने बता ही दिया है, उसमें तो कोई नया चीज कहने को हमारे पास। इसी वजह से आप लोग सपोर्ट विड्रॉ करने से अभी हिचक रहे? नहीं, ऑथराइजेशन देने का ये मतलब हुआ कि उनको, उन्होंने सब कुछ सुन लिया है, पार्टी के सारे विचारों को, सब लोगों के विचारों को, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि कई तरह के प्रस्ताव हैं, उसमें से कौन वो लागू करेंगे ना, वो तो मैं बोल चुका हूँ, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। क्या वो लागू करेंगे, क्या नहीं लागू करेंगे, कब लागू करेंगे, किस तरह लागू करेंगे, किससे मिलेंगे, ये सब बातें जब एक बार हमने उनको अधिकार दे दिया तो उन पे छोड़ दिया। ज़्यादातर लोगों की राय थी कि सरकार से नहीं, अब हम इसको बस